सो क्योंकि इसको हम ज्यादा डिले कर नहीं सकते और अगर हमने स्टैगर करके बंद करना है या हमने राइट वे बंद करना है, इसका फैसला मैं तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला कल शाम तक या परसों तक खुद कर लूंगा। कि मैं आपको एक चीज बताऊं, छुट्टियों के तो मैं बिल्कुल खिलाफ था, मैं तो दिसंबर की छुट्टियां भी नहीं देना चाह रहा था, मगर क्योंकि पहले ही बच्चों की 6 महीने छुट्टियां हो चुकी हैं, मगर हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें देखना पड़ेगा सीरियसली किस तरफ जाना है। मगर अगर हमें अभी छुट्टियां देनी पड़ी तो एब्सोल्युटली समर की छुट्टियां तो फिर हमें स्किप करनी पड़ेंगी इंशाल्लाह ताला। एक तो हालात बेहतर होंगे, ऊपर से वैक्सीन के आने के चांस बहुत ज्यादा है तब तक, सो इसलिए मेरे ख्याल से कि हम इजीली समर की छुट्टियां जो है वो स्किप कर सकते हैं। एक बड़ा ही मुश्किल चीज है, मैं आपको जरा थोड़ा सा इस पे बताऊं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, महंगे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए बहुत आसान है ये कहना जी के कर दें ऑनलाइन एजुकेशन। जब आप जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर, तो 60,000 गवर्नमेंट स्कूल है और 60,000 ही प्राइवेट स्कूल है, मगर उस 60,000 प्राइवेट स्कूल में से 80% स्कूल वो है जो 70% स्कूल वो है जो 5,000 उससे फीस से कम वाले हैं। उधर कोई ऑनलाइन नहीं है। सो आप ये देख लें कि 1,20,000 स्कूलों में से 80% स्कूलों के अंदर या 85% स्कूलों के अंदर कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होनी। सो अब इसके लिए जो मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला वो ये है कि जिस तरह हम सर्दी गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क नहीं देते, इसी तरह छुट्टियों का होमवर्क दें। और जो हमने तालीम घर शुरू किया था जब पिछली कोविड की छुट्टियां हुई थी, तो वो टीवी पे सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता था और हम लोगों ने तस्वीरें